सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए सभी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। घोड़े हॉर्स के बारे में संपूर्ण सामान्य जानकारी। तो शुरू कर देते अपने वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज हम इस वीडियो में घोड़े के बारे में जो नॉर्मल जानकारी है उसके बारे में वो आज इस वीडियो में पूरी हासिल करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम में वेटरनरी के पूछे जाती है। सबसे पहले है NRCE यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, कहाँ पर है? तो वो है हिसार हरियाणा में। दूसरा है घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैबुलस, घोड़े का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है। एंड तीसरा है घोड़े में समागम क्रिया यानी कि जो मेटिंग की जो क्रिया होती है टर्म्स उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कवरिंग कहते हैं। फोर्थ है घोड़ी का गर्भकाल यानी कि जो गेस्टेशन पीरियड है घोड़ी का मेयर का वो कितना है? तो वो है 341 डेज। पांचवा है घोड़ी की प्रसव क्रिया यानी कि एक्ट ऑफ पार्चुरेशन क्या है? तो वो है फॉलिंग। और जो इसका जो बच्चा होता है नया नवजात बच्चा होता है उसको बोलते हैं फॉल। अगला है कि घोड़े की आवाज, जो घोड़ा जो हिन हिनाता है यानी कि जो आवाज़ है उसको हिन हिनाना कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नेइंग बोलते हैं। सातवा है कि घोड़े में बज्जाकरण नर यानी कि कासेशन जो नर होता है मेल उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं गेल्डिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण जानकारी है वो घोड़े के बारे में, सभी पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। अगला है कि NBHJR यानी कि नेशनल ब्यूरो एंड जेनेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उस जो नामक संस्था है उसके द्वारा पंजीकृत किए गए घोड़े की कुल कितनी नस्लें हैं पंजीकृत? तो वो है 7 नस्लें हैं जो पंजीकृत की गई हैं, जिनमें मुख्य है मारवाड़ी, भूटिया, काठियावाड़ी, मणिपुरी, जस्कारी, स्पीति आदि ये जो नस्लें हैं। अगला है कि घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? तो सर्वोत्तम नस्ल है घोड़े की वो है काठियावाड़ी, सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है काठियावाड़ी नस्ल को। अगला है कि घोड़े का जीवन काल है यानी कि जो इसकी इसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है? तो वो है 20 वर्ष यानी कि 20 ईयर्स लगभग घोड़े का जीवन काल होता है। अगला है कि घोड़े में प्रतिदिन पीने के पानी की आवश्यकता कितनी होती है? तो घोड़े में प्रतिदिन पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है वो है 36 लीटर, लगभग 36 लीटर पानी लगभग पीने की आवश्यकता होती है घोड़ा या घोड़ी के लिए। अगला पॉइंट है कि घोड़ी से प्रतिदिन गोबर उत्पादन यानी कि जो फिशेज हैं उसका जो वेस्ट है उसका प्रोडक्शन कितना हो जाता है? तो वो होता है 13 किलो लगभग, ठीक है कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो लगभग कितना होता है गोबर उत्पादन? 15 किलो। और अगला पॉइंट है कि जो घोड़े की चाल होती है उसको क्या कहते हैं? क्या घोड़े की चाल है उसको क्या कहते हैं? तो घोड़े की चाल को ट्रॉट, गैलप या फिर सांटर या फिर कांटर भी बोलते हैं। क्या घोड़े के चाल को ट्रॉट, गैलप और सांटर। अगला है कि घोड़े के जो दांत है उसके अनुसार नर व मादा में अंतर क्या है? जो घोड़ा या घोड़ी होता है उसमें नर और मादा में अंतर क्या है? किसके अनुसार? दांतों के अनुसार। जो टीथ है उसके अकॉर्डिंग तो अंतर क्या है? तो कैनाइन टीथ में उनमें अंतर होता है, जिसमें घोड़े में 40 दांत होते हैं और घोड़ी में 36 दांत होते हैं, तो अंतर वो कैनाइन टीथ का रहता है। अगला पॉइंट है कि फुल माउथ कंडीशन की उम्र कितनी है घोड़े की? तो वो है 4.5 वर्ष यानी कि 4.5 वर्ष इसके फुल माउथ कंडीशन होती है। और घोड़े में दांतों की संख्या 40 होती है और घोड़ी में दांतों की संख्या 36 होती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घोड़ी में थनों की संख्या, थन कितने होते? 2 थन होते हैं घोड़ी में।
अगला पॉइंट है कि घोड़े के ललाट पर सफ़ेद रंग का धब्बा पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो घोड़े के ललाट पर जो धब्बा पाया जाता है उसको स्टार कहते हैं। अगला पॉइंट है कि घोड़े की कौन सी नस्ल चाल के लिए प्रसिद्ध है, तो चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, वो है काठियावाड़ी। अगला पॉइंट है कि घोड़े का आवास क्या कहलाता है, तो घोड़े का आवास स्टेबल कहलाता है, जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है या फिर बांधा जाता है उसको हम स्टेबल कहते हैं, ये इसकी टर्म्स है। और अगला पॉइंट है कि घोड़े का वयस्क नर क्या कहलाता है, वयस्क यानी कि जवान जो नर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टेलियन, क्या कहते हैं स्टेलियन। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े का नवजात क्या कहलाता है, जो न्यूबॉर्न होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फॉल, ठीक है साथियों। और जो नवजात जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो प्रक्रिया है उसको हम फॉलिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है 25वां के घोड़े को गिराने के तरीके मेथड्स कौन कौन से, घोड़े को गिराने के नीचे गिराने के लिए किसी भी काम को पूरा करने या फिर उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, तो तीन तरीके हैं, जिसमें पहला है होबल्स मेथड, दूसरा है डबल साइड लाइन मेथड एंड तीसरा है सिंगल साइड लाइन मेथड। अगला पॉइंट है कि घोड़े की बुद्धिमानी नस्ल कौन सी है, यानी कि सबसे बुद्धिमान नस्ल कौन सी है घोड़े की, तो वो है मणिपुरी, जिसको पोलो व मिलिट्री में भी काम में लिया जाता है, वो मणिपुरी नस्ल है, क्योंकि ये बुद्धिमानी होती है इसलिए इनको पोलो खेल में और मिलिट्री यानी कि फौजी में इसको उपयोग में लिया जाता है। और 28वां पॉइंट है कि घोड़े का समूह क्या कहलाता है, जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पैक, ठीक है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि घोड़े की वयस्क मादा यानी कि जवान जो मादा है वयस्क उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेयर, और जवान जो नर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कोल्ट, ठीक है साथियों। वयस्क मादा को मेयर बोलते हैं और वयस्क जो घोड़ा होता है जो नर होता है उसको हम स्टेलियन कहते हैं, और जो जवान मादा होती है उसको हम फिली कहते हैं, और जवान नर को हम कोल्ट बोलते हैं। और घोड़े को के साथ में जो नवजात मादा होती है उसको हम सकलिंग कहते हैं, घोड़े में नवजात के साथ मादा सकलिंग कहलाती है। घोड़े का कुल जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इक्वाइन, ठीक है साथियों। तीसरा पॉइंट अगला पॉइंट है कि घोड़ों को नियंत्रित करते हैं, तो घोड़े को जो है कंट्रोल किन किन तरीकों से करते हैं, तो सबसे पहला है ट्विच, और दूसरा है आगे के पैर उठाकर या फिर हाल्टर द्वारा, तो ये उपकरण होते हैं ट्विच और हाल्टर जिनके द्वारा घोड़े को नियंत्रित किया जाता है। अगले पॉइंट है कि घोड़े के चेहरे के मध्य की तरफ आते हुए जो चौड़ी सफ़ेद पट्टी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम स्ट्रिप कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि घोड़े व गति का संकरण जो क्रॉसिंग होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हिन्नी, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट है कि घोड़े व गधे का संकरण क्रॉसिंग है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है म्यूल, जिसको हम खच्चर बोलते हैं। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 2N64, 64 गुणसूत्रों की इसमें संख्या होती है। तो इस प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट 38 आपको मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं घोड़े के बारे में, जो लगभग घोड़े के बारे में इसकी पूरी जानकारी आ गई है जो इम्पोर्टेंट है ज़रूरी। और भी इसके अलावा अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो वो मैं आपको एक सामूहिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और इसी तरह से तरीके से हर जानवर पशु के बारे में मैं आपको पूरी पूरी तरीके की जानकारी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।